हेलो गाइस, गुड डे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो इलाइट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सेंचर कितना सैलरी देता है फ्रेशर के लिए फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा पैकेज ब्रेकअप क्या है, जो 4.5 LPA मिलता है। उसके बाद में देखेंगे कि क्या क्या हमारा वेरिएबल पे है, कितना मिलता है, कब मिलता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा ज्वाइनिंग बोनस कब मिलेगा। उसके बाद में और सब अलाउंस जो है वो कब मिलता है, कितना है उसका। तो और लास्ट में हम देखेंगे हमारा सैलरी स्लिप, जो हमें इन हैंड सैलरी मंथली वो कितना मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारा है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स प्लान, जो सबसे पहले इसमें आता है। ये टोटल कैश कंपोनेंट एलिमेंट इसमें है। सबसे पहले सेक्शन ए में कि एनुअल फिक्स्ड कंपनसेशन, ये हमारा है 3,83,000 है। और उसके बाद में ये है लोकल वेरिएबल बोनस, जो है हमारा 32,500। और दोनों मिला के हमारा ये हो जाता है 4,15,500 रुपया हो जाता है। और उसके बाद में सेक्शन सी में हमें ज्वाइनिंग बोनस है, जो कि 25,000 है, जब हमें ज्वाइन करेंगे एक्सटेंचर उसके फर्स्ट मंथ में मिलता है सैलरी के साथ। ये हमारा 25,000 ज्वाइनिंग बोनस है। और उसके बाद में ये सेक्शन डी में मिलता है हमें एडिशनल जो बेनिफिट्स है, उसमें एक ग्रेटिट्यूटी अमाउंट होता है, जो हर साल तुम्हारा काटा जाता है एज ए ग्रेटिट्यूटी अमाउंट। उसके बाद में एक होता है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये काटा जाता है। दोनों मिला के हो जाता है 9,500 रुपया। ये सब कंपनी अपना सीटीसी में एड करती है। सब टोटल मिलाओगे, अगर कैलकुलेट करोगे तो 4,05,000 रुपया होगा। ये हमारा पैकेज होता है एक्चुअल में, जो हमें एक्सटेंचर बोलती है 4.5 LPA देंगे। लेकिन हमारा जो फिक्स्ड पे है वो है सिर्फ 3,83,000 रुपीज, 3.83 LPA पैकेज है। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं दूसरा, देखते हैं। इसमें हमारा ये है सेक्शन, तो सेक्शन में सबसे पहले है एनुअल फिक्स्ड कंपनसेशन। इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले क्या मिलता है, एनुअल फिक्स्ड पे में मिलता है INR 3,83,000 रुपीज। ये हमारा है, इसमें हमारा इंक्लूडिंग अलाउंस स्ट्रक्चर इन अकॉर्डिंग विद द कंपनी कंपनसेशन गाइडलाइन एंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी नॉर्म्स, ये सब हमारा इसी में होगा। जो हमारा PF कटेगा, जो अलाउंस कटेगा, वो सब 3,83,000 में से कटेगा, इसी में से कटेगा। तो हमें जो बचेगा वो हमारा इनहैंड सैलरी रहेगा। सेकंड सेक्शन में हमारा लोकल वेरिएबल बोनस, जो कि हमें मिलता है 32,500। और ये उसके हिसाब से मिलता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस अचीवमेंट वो कैसा है, तुम्हारा खुद का जो तुम्हारे सीनियर फीडबैक दिए हैं उसके हिसाब से, तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलता है। और ये वेरी करता है 0.5% टू 8.5% पैकेज का रेंज में डिफाइन करता है। इसी में से आपको मिलेगा, आपके परफॉर्मेंस पे, कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलेगा। ये लोकल वेरिएबल बोनस होता है, जो कि हर 6 मंथ में मिलता है। और उसके बाद में थर्ड सेक्शन में हमारा ज्वाइनिंग बोनस, ये है यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग बोनस एंड एन एडिशनल बोनस एज पर द टर्म्स मेंशन बिलो। ये मिलता है हमें 25,000 जो हम ज्वाइन कर लेते हैं कंपनी, और उसके सब्सिडिंग सबसे पहले जो होगा उस मंथ में हमें मिलेगा, सैलरी के साथ आता है ये 25,000, ये मिलता है। लेकिन इसका टर्म एंड कंडीशन एक ये है कि अगर आप साल भर से पहले कंपनी छोड़ देते हैं तो ये आपको 25,000 वापिस करना पड़ जाएगा कंपनी को, ये एज अ सिक्योरिटी रहेगा बस। और कंपनी पहले दे देती है, अगर आप रह जाते हैं तो फिर ये आपका एक साल में खत्म हो जाता है, आप छोड़ सकते हैं आपके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से, जो भी है टाइम गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप छोड़ सकते हैं, फिर ये नहीं 25,000 नहीं देना पड़ेगा। अगर एक साल से पहले छोड़ते हैं तो ये 25,000 देना पड़ेगा आप वापिस आपको कंपनी को। तो ये रहा हमारा ज्वाइनिंग बोनस। और ये रहा पे स्लिप, जिसमें सबसे पहले जो है ये है सब डिटेल्स दिया गया है एम्प्लॉय का, जो कि है मैनेजमेंट लेवल जो है 12 है, जो एज अ फ्रेशर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसके बाद में एंटिटी ATCI एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर इन इंडिया, ये है। उसके बाद में ये दिया है लोकेशन, और उसके बाद में डिपार्टमेंट ATCI और गुरुग्राम, ये है उसका। यहाँ सब दिया है, एम्प्लॉय ID दिया था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया है, PF नंबर दिया है, नेम दिया है, अकाउंट नंबर दिया है, ये सब दिया। और ये हमारा है जुलाई 2021 के लिए है। तो इसमें सबसे पहले जो हमने काम किया है वो 31 डेज काम किया है, ये दिखाया है। और उसके बाद में LOP हमारा, कोई एक भी लीव नहीं है, तो 0 दिखाया है। ये रहा सेकंड पार्ट में, ये हमारा रहा सैलरी स्लिप का ब्रेकअप। तो जो सबसे पहले है कि बेसिक सैलरी जो 15,000 रुपीज मिलती है, बेसिक सैलरी है। HRA जो है वो 50% ऑफ बेसिक सैलरी होता है, जो कि 7,500 रुपीज होता है।
और उसके बाद में एडहॉक अलाउंस है हमारा 4,283 रुपीज, और उसके बाद मिसिलिनियस अलाउंस मिलता है 3,333 रुपीज मिलता है, जो टोटल हो जाता है हमारा 30,116 रुपीज हो जाता है, जिसमें से हमारा प्रोविडेंट फंड कटता है जो कि 1800 तुम्हारे तरफ से कटेगा, 1800 कंपनी जमा करती है तुम्हारे प्रोविडेंट फंड में, तो ये 3,600 रुपीज तुम्हारे प्रोविडेंट फंड में मंथली जाएगा, सेव होगा। तो ये है ग्रॉस डिडक्शन जो है हमारा 1800 आ गया। और उसके बाद में जो हमें लास्ट में इन हैंड सैलरी मिलता है वो है 28,316 रुपीज है, ये रहा हमारा इन हैंड सैलरी, ये रहा हमारा सैलरी स्ट्रक्चर जो हमें एक्सेंचर देती है। ऐसे जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपको पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट एंड मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू गाइस, बाय।